हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास टेंथ मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें से आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है ये समझेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स जिस वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 हो, सो कॉल्ड इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी इफ ए वेरिएबल ऑफ द मैक्सिमम पावर 2, सो कॉल्ड इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टूडेंट जनरल जो इक्वेशन है वो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी जनरल इक्वेशन है। अब ए मीन्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी एक्स का कोएफिशिएंट, और लास्ट में जो होता है वो अननोन वेरिएबल विदाउट एक्स वाला नंबर, जो अननोन वेरिएबल होता है। तो यहाँ चेक करना, चेक वेदियर फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चेक करके बताना है कि इनमें कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं। तो मैं क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट आपको सॉल्व करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस 3। स्टूडेंट अभी ये देखने से, यहां स्क्वायर लगा है तो देखने से लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हो सकता है इसको सिंप्लीफाई करने पर ये लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाए, तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, या तो एक्स प्लस वन का 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसका ए प्लस बी होल स्क्वायर से सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो स्टूडेंट 10th क्लास में फॉर्मूला लर्न होना जरूरी है, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई करना ये बहुत छोटे क्लासेस में बताते हैं। तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। स्टूडेंट ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कंपेयर कीजिए, कंपेयर करने पर देखिए ए इज इक्वल टू एक्स है एंड बी इज इक्वल टू 1 है। आप यहां लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू एक्स एंड बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ ए स्क्वायर के स्थान पर पुट करेंगे एक्स स्क्वायर, बी मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2, ए मीन्स एक्स, बी मीन्स 1, और आपका इक्वल में 2 ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 बन जा 2, और 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, इधर 2 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है, मीन्स 2 का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना होता है 2x माइनस 2 3 6। स्टूडेंट इक्वल के बाद सेम नंबर हो, सेम साइन हो, तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां से एक्स स्क्वायर बचा आपका प्लस 1, ये माइनस का 6 है इक्वल के बाद, जब इसको इज इक्वल टू के पहले लाएंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा और इज इक्वल टू में क्या बचा 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड 6, ये आपका हो गया 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 आ गया इसका सॉल्यूशन। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, लिखेंगे यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको
थर्ड करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स माइनस टू ब्रैकेट में एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस थ्री। अभी इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का इस वन में करेंगे तो प्लस का वन एक्स, एक्स का मल्टीप्लाई हो गया एक्स के ऊपर राइट कर दीजिए, माइनस टू का मल्टीप्लाई एक्स में माइनस टू एक्स, यानी माइनस टू का कर रहे हैं माइनस टू का, और माइनस टू का प्लस वन में करेंगे तो माइनस का टू बन जा टू। सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई इधर करना है, एक्स का एक्स में करना है तो एक्स स्क्वायर, एक्स का थ्री में प्लस का थ्री एक्स, अब माइनस वन का करेंगे, माइनस वन का एक्स में तो माइनस वन एक्स, माइनस वन का प्लस थ्री में माइनस थ्री। स्टूडेंट अभी मैंने बताया कि इक्वल के बाद सेम साइन हो, सेम नंबर हो तो डायरेक्ट उसको कैंसिल कर सकते हैं, ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इधर 1x माइनस का 2x, यानी माइनस का नंबर ये ग्रेटर देन है प्लस का लेस देन है, माइनस का बड़ा है प्लस का छोटा है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 1x हो जाएगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा एंड माइनस का 2। इधर 3x माइनस 1x, देखो प्लस का नंबर ग्रेटर देन है, बड़ा नंबर है, तो 3x में से 1x माइनस करेंगे तो 2x माइनस 3। अब देखिए, देखने से ही ये लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज लीनियर इक्वेशन नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां लिखा जाएगा इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब स्टूडेंट इसके बाद में आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट मार्क्स में आ सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर जो मोस्ट आईएमपी है वो एक्सरसाइज टू में है, एक्सरसाइज 4.2, इसमें से न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से डेफिनेटली मिलेगा। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी आपको रूट फाइंड करने हैं, फाइंड द रूट। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं तो सबसे पहले इसके जो है फैक्टर करने होंगे, फैक्टर, और उसमें क्वेश्चन में दिया भी है कि बाई फैक्टराइजेशन मेथड, यानी फैक्टराइजेशन से आपको करना है। तो फैक्टर मोस्टली स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, तो फैक्टर करने का प्रोसीजर समझिए क्या है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट देखिए कितना है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कुछ नहीं है तो वन मान लिया जाएगा, और सबसे लास्ट में कितना नंबर लिखा है स्टूडेंट, टेन। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और लास्ट में जो कॉन्स्टेंट नंबर है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 का 10 में मल्टीप्लाई कितना आएगा 10, अलग से नोट कर लो, यहां ये लिख लिया। अब आपको अपने दिमाग से ये सोचना है कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। तो वी नो दैट दो नंबर 2 एंड 5 हैं, सोच लिया 2 और 5 का मल्टीप्लाई करने पर कितना होता है 10, और
फाइव में से टू माइनस कर देंगे तो जितना बीच में लिखा है उतना आना चाहिए। चाहे इन दोनों नंबरों को प्लस करें या दोनों नंबरों को माइनस करें, जितना मिडिल में लिखा होता है उतना आना चाहिए। तो सबट्रैक्ट करने पर, माइनस करने पर बीच में माइनस थ्री एक्स वो आ रहा है। तो स्टूडेंट एक्स स्क्वेयर माइनस, अब एक थोड़ा मिस्टेक ना हो इसलिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि यदि माइनस नंबर आ जाए, यहां पर माइनस हो, तो आप ब्रैकेट लगा दिया करो, इससे सिंप्लीफाई करने में कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। माइनस लगा है तो ब्रैकेट लगा दो। आपका जो थ्री आया है वो फाइव में से टू माइनस करने पर थ्री आया है, तो यहां लिख दो फाइव एक्स माइनस टू एक्स और माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन हो, कोई भी कोएफिशिएंट हो, उसका मतलब, उसका मीन्स मल्टीप्लाई करना होता है। तो माइनस फाइव एक्स, माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस का टू एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से स्टूडेंट एक्स कॉमन है तो यहां से एक एक्स बचा, दो एक्स है ना, एक्स स्क्वायर तो एक एक्स बाहर तो एक अंदर, माइनस यहां से फाइव बचा, ये एक्स तो इधर बाहर ही आ चुका, प्लस। अब स्टूडेंट फैक्टर का एक नियम है, जो नंबर पहले वाले ब्रैकेट में आता है वही फैक्टर दूसरे वाले में भी निश्चित रूप से आएगा, आप पहले से नोट कर सकते हैं, ये डेफिनेट है। पहले ब्रैकेट में जो भी नंबर है वही दूसरे ब्रैकेट में निश्चित रूप से आएगा। अब x माइनस फाइव यहाँ लिख लिया तो इन दोनों में से फिर कॉमन क्या हुआ, टू। टू कॉमन क्यों हुआ, टू कॉमन इसलिए है स्टूडेंट के टू का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करते हैं तो यही नंबर आ जाता है। यदि ये मल्टीप्लाई करने पर ऊपर वाला नंबर नहीं आता है तो समझ लेना कि ये कॉमन गलत लिया है, रॉन्ग लिया है। एक बार देख लो मल्टीप्लाई करके, टू का एक्स में मल्टीप्लाई टू एक्स माइनस टू फाइव जा टेन। इधर भी चेक कर लो, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स का माइनस फाइव में माइनस फाइव एक्स आ रहा है, इसका मतलब कॉमन सही लिया है, राइट लिया है। अब स्टूडेंट एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव दोनों में से एक नंबर फिर कॉमन, और इस एक्स को लिखा जाएगा प्लस टू के साथ, एक्स प्लस टू और इज इक्वल टू में जीरो। अब आपको फाइंड द रूट्स फाइंड करने हैं, तो देखिए यहां से एक तो एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स, इसको ट्रांसफर करेंगे तो एक्स इक्वल टू ये माइनस का फाइव है इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का फाइव आएगा, प्लस का फाइव एक आंसर आपका जी हो गया। दूसरा इसको भी जीरो के इक्वल करें क्योंकि ये भी जीरो के इक्वल है, तो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो और इसका ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का है इज इक्वल टू के इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस। तो स्टूडेंट इसमें पूछा था कि फाइंड द रूट्स, तो रूट्स आपके कौन से हुए, एक एक्स इक्वल टू फाइव, एक एक्स इक्वल टू माइनस का। आज इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। जय श्री राम।